हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अकाउंट्स मास्टर जी बिज़नेस स्टडीज़ की लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो पार्ट में डिवाइडेड है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक आज उसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जहां पर आपका पर्पस है टू अर्न मनी वो भी तीन तरह की होती हैं पहला है बिज़नेस दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट बिजनेस का मतलब क्या होता है जहाँ पर या तो आप गुड्स प्रोड्यूस कर कर सेल करते हैं गुड्स प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर आप एक जगह से गुड्स खरीद कर उसे बेचते हैं दैट इज़ ट्रेडिंग करना तो बिजनेस में आप करते हैं प्रोडक्शन परचेज सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एग्जाम्पल क्या हो सकता है जो आपके बुक में लिखा हुआ है फिशिंग माइनिंग फार्मिंग मैन्युफैक्चरिंग होलसेल सेल एसेट्रा जितने भी लोग आज जो हैं बाहर से सामान खरीद कर लोकल में बेचते हैं वो बिज़नेस कर रहे हैं सैमसंग कंपनी मोबाइल मैनुफैक्चर कर कर बेच रही है बिज़नेस कर रही है जियो आपको मोबाइल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है दैट इज़ वो भी बिज़नेस कर रहा है बिज़नेस करने से अल्टीमेटली बिजनेस को मिलता क्या है रिवॉर्ड क्या है बिज़नेस का वो है प्रॉफिट इसके बाद आपकी अगली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं प्रोफेशन प्रोफेशन करने के लिए आपके पास स्पेशल नॉलेज और स्किल होनी चाहिए जो आप सीखते हैं किसी भी प्रोफेशन में सभी की एंट्री परमिटेड नहीं होती है एंट्रांस में एंट्री में रेस्ट्रिक्शन होता है दैट इज़ आपको हो सकता है एंट्रांस एग्ज़ामिनेशन देना पड़े जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए भी आपको सी फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है लॉ में एंट्री के लिए आपको क्लैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है एंड सो ऑन ये जितने भी प्रोफेशन होते हैं इसके लिए आपकी एक इंस्टीट्यूट होती है जो आपको गाइड करती है एग्जाम्स कंडक्ट करती हैं जिसे हम यहाँ पर प्रोफेशनल बॉडीज़ कहते हैं और एक बार जब आप ये प्रोफेशन में एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं इंटर्नशिप आर्टिकलशिप पूरी कर लेते हैं तब आप प्रोफेशनल कॉल किए जाते हैं प्रोफेशनल में आपका रिवॉर्ड क्या होता है तो आपको मिलती है फीस प्रोफेशन के लिए एग्ज़ाम्पल क्या क्या हो सकते हैं लॉयर डॉक्टर इंजीनियर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट थर्ड जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती है वो है आपकी एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है जहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल के लिए काम करता है और उसके बदले उसे रेमुनरेशन मिलता है रेमुनरेशन का मतलब होता है मेहनताना जिसे हम कह सकते हैं सैलरी और वेजेस नॉर्मली सैलरी जो पे की जाती है वो स्किल्ड एम्प्लॉय को पे की जाती है और वेजेस जो हैं ये अनस्किल्ड एम्प्लॉय को पे किए जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में आप काम करते हैं दूसरे के लिए तो ये तीन तरह की आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इसके बाद हमने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो पहले से ही देख रखी थी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल सेटिसफेक्शन है तो कोई सी भी एक्टिविटी इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है ये डिपेंड करता है मोटिव पे अगर आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और अगर सेम पर्टिकुलर वर्क में आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जैसे मिस्टर ए अपना घर बेच कर, एक नया घर ख़रीदता है तो क्या यहाँ पर घर बेचना वो इसलिए किया था कि वो प्रॉफिट अर्न कर पाए आंसर है नो तो ये कौन सी एक्टिविटी में फॉल करेगा नॉन इकोनॉमिक और अगर मिस्टर ए जो है वो कमीशन एजेंट है उसका काम ही है घर खरीद कर बेचना और उससे प्रॉफिट कमाना तो इन दैट किस ये एक्टिविटी किस में फॉल करेगी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे सभी चीज़ों के बारे में जिसमें हम पहली बार पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में तो बिज़नेस एक बहुत वाइड टर्म है जिसमें वो सारी एक्टिविटीज़ शामिल हो जाती है जहाँ पर आप या तो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं परचेज कर कर बेचते हैं एक्सचेंज करते हैं या आप सर्विस में भी डील कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बिजनेस में सर्विस भी शामिल होता है अब आज के ज़माने में बिज़नेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं तो सबसे पहले बिज़नेस जो है खुद के लिए एक कस्टमर क्रिएट करता है जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो यूज़ करता है उसे वो कन्वर्ट करता है किसमें गुड्स एंड सर्विसेज़ में वो भी कस्टमर की प्रेफरेंस को टेस्ट को ध्यान में रखते हुए वो नए नए प्रोडक्ट और सर्विस लगातार लॉन्च करते रहते हैं जैसे आप भी जानते हैं अब 4G की जगह जल्द ही 5G सर्विस आने वाली है तो यही तो है इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज़ और फिर वो उसकी प्रॉपर मार्केटिंग भी करता है सो so दैट आपने जो भी नया प्रोडक्ट बनाया है ये कस्टमर के हैंड तक पहुंच पाए तो जो बिज़नेस है उसके कैरेटरिस्टिक्स क्या होते हैं तो बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इज़ आपका ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर प्रॉफिट कमाना बिजनेस में या तो आप गुड्स प्रोड्यूस कर कर बेचते हैं या फिर खरीद कर बेचते हैं सिंग इन केस ऑफ सर्विस बिजनेस में या तो आप सेल में इन्वॉल्व होंगे या एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस में इन्वॉल्व होंगे फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स यहाँ पर यह बात की गई है कि अगर मैं कोई गुड्स बनाता हूँ और मेरी फैमिली ही उसे कंज्यूम करती है सेल्फ कंजम्पशन है तो वो फिर बिज़नेस नहीं है जब आप गुड्स बनाते हैं और उसे मार्केट में बेचते हैं तभी उसे बिज़नेस एक्टिविटी मानी जाती है सिमिलरली गुड्स आप किसी को बेचेंगे तो वो भी जो है बिज़नेस में शामिल नहीं होगा चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिज़नेस के करेट्रिस्टिक्स में डीलिंग इन गुड्स और सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस मैंने एक मोबाइल नया खरीदा और उसे बेच दिया तुरंत दस दिन बाद और सपोज़ मुझे उसमें प्रॉफिट हो गया तो क्या मैं अपने आप को बिज़नेस कह सकता हूँ आंसर होगा नो no. बिज़नेस होने के लिए आपका वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन रेकरिंग बेसिस पे रेगुलर बेसिस पे करना ज़रूरी है तो तभी आप जो हैं बिजनेसमैन कहला पाएंगे प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना ठीक है प्रॉफिट कमाना एक सर्टेन नहीं है बट आपका ऑब्जेक्टिव ऑलवेज़ है कि आप प्रॉफिट कमाएंगे अगर आप गुड्स को चैरिटी पे देते हैं तो ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं मानी जा सकती और कोई भी बिज़नेस जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता बिना प्रॉफिट के और आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रिटर्न मतलब क्या कि जो आपने बिज़नेस में पैसे लगाए उसके बदले आपको क्या मिलेगा दैट इज़ यहाँ पर अनसर्टिनिटी है रिटर्न की या बिज़नेस में बहुत रिस्क है किस चीज़ का रिस्क है कि भैया आपके बिज़नेस को लॉस हो सकता है क्यों लॉस हो सकता है क्योंकि तो जो बिज़नेस एन्वायरमेंट है बाहर का वो बहुत डायनेमिक है वो लगातार चेंज होता रहता है टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है कस्टमर के प्रेफरेंसेस और टेस्ट में चेंजेस आ सकते हैं आपके कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं लाइक आपके यहाँ जो है वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी आप गुड्स टाइम पर प्रोड्यूस नहीं कर पाए सो बहुत सारे रिस्क होते हैं बिज़नेस में जिसकी वजह से बिजनेस करना एक आसान डिसीजन नहीं होता तो उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी आज के इस लेक्चर टू में लेक्चर वन पार्ट वन इसी टॉपिक का पहले से ही डला हुआ है हम क्या करेंगे इसकी एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर देंगे सो दैट सो दैट आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है देख सकते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक ले बाय टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग